हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड टुडे स्टार्ट आवर जीके क्लास। सो वी रिवाइज दिस चैप्टर्स, ओके। इन आवर प्रीवियस क्लास आई रिवाइज अप टू द चैप्टर नंबर 8। सो नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9। यू नो दोज आंसर्स, ओके। हाउ मेनी थिंग्स कैन योर ब्रेन रिमेंबर एट अ टाइम, सब आंसर मैंने बोल दिया था पहले ही, तो आप लोग वो फिर से रिवीजन करोगे, फिर से लर्न करोगे अच्छी तरह से। अच्छा स्टूडेंट, और एक बात, इस कोरोना के टाइम में शायद यूटी नहीं हो सकता, ओके। यूनिट टेस्ट मुझे आज एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया था कि मैम एग्ज़ाम होगा, यूटी एग्ज़ाम होगा कि नहीं। सो मैं बोल देना चाहती हूँ कि यूटी शायद नहीं हो सकता, एकदम टर्मिनल एग्ज़ाम ही होगा, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम ही होगा, जुलाई में शायद हो सकता है। सो आप लोग उसकी प्रिपरेशन करो, ठीक है। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन करो। मैथ का सिलेबस बाकी है थोड़ा सा, तो मैं ट्राई करूँगी कि वो जल्द से जल्द मैं कंप्लीट कर पाऊँ, ओके। एक्स्ट्रा क्लास दे दे के मैं वो मैथ का मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगी। सो आप लोग उसके लिए रेडी रहना और खुद से कोशिश करो कि मैथ का सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर सको, ओके। अच्छा, ये वाला तो मैंने बोल दिया था पहले ही कि ये प्रैक्टिस पेपर आप लोग खुद से करना है, क्योंकि पहले हो चुका है सब कुछ, तो ये वाला आप लोग खुद से करोगे, ओके। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज चैप्टर 10, रिवर एंड रिवर्स। तो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द हिस्टोरिक क्रॉस रोड्स रीजियन ऑफ पंजाब इन नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर द रिवर गंगा। इट स्टार्ट्स इन महाराष्ट्र एंड फ्लोज फॉर 1465 किलोमीटर इंटू द बे ऑफ बंगाल। क्या होगा ये सब नदियाँ, रिवर्स क्या होगा, ये आप लोग जानते हो, फिर से आप लोग रिविजन करो, ठीक है। नेक्स्ट इज एमिनेंट पर्सनालिटीज, यू नो हु इज़ दिस। दिस इज़ द वेरी फेमस चाणक्य जी, कौटिल्य, ओके। तो यहाँ पे इतना बड़ा है ना, तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो मैं नहीं दूँगी, मैं ये दे सकती हूँ कि हु रोट अर्थशास्त्र, ओके। हु रोट अर्थशास्त्र, यहाँ पे मैं, यहाँ पे इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं होगा, तो ये मैं क्वेश्चन दे सकती हूँ कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और हु वॉज द 16th प्रेसिडेंट इन 1861 ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। तो यहाँ पे मैं ऐसा क्वेश्चन दे सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे है देखो, ही वॉज अ रोमन स्टेट्समैन, जनरल एंड नोटेबल ऑथर ऑफ लैटिन प्रोज। ही प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द इवेंट्स दैट लेड टू द डिमाइज ऑफ रोमन रिपब्लिक एंड द राइज रोमन एम्पायर। तो यहाँ पे मैं उतना बड़ा क्वेश्चन मैं दे दूँगी, मैं ये दे सकती हूँ कि हु वॉज अ रोमन स्टेट्समैन एंड नोटेबल ऑथर ऑफ लैटिन प्रोज, ओके। ऑप्शंस होंगे तो ऑप्शन में आप लोग, यहाँ पे देखो, ही वॉज अ फ्रेंच मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर हु रोज अ प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड लेड सेवरल सक्सेसफुल कैंपेन्स ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी वॉर्स। सो इन ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, हु रोज टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, ओके। तो ऐसा मैं क्वेश्चन दे सकती हूँ, यहाँ पर भी छोटा क्वेश्चन ही आएगा, हाँ, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये हो सकता है कि हु वॉज द किंग ऑफ ग्रीक किंगडम मैसिडोन, अलेक्जेंडर, है ना। तो ये सब क्वेश्चन है, यहाँ से भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द लीडर
of Nazi party, Hitler. Okay. Who led the Bolshevik revolution of Soviet Union? तो ये सारे मैं क्वेश्चन में देंगू, लेलिन है ये ऐसा यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो चैप्टर नंबर 12 सैक्रेड प्लेसेस में क्या है, इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा। हाँ, यहाँ पे छोटा ही है तो ये छोटा क्वेश्चन ही आएगा, जैसा है वैसा ही आएगा। दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो ऐसा ही छोटा क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, वहाँ पे बड़ा पूरा लिखा हुआ है तो वहाँ से छोटा क्वेश्चन आएगा, छोटा करके मैं क्वेश्चन दूंगी। ओके, तो आज के लिए ये चैप्टर 12 तक आप लोग रिविजन करो, चैप्टर 12 तक। नेक्स्ट डे और जो बाकी है वो चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। मैंने क्वेश्चन भी बोल दिया कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अच्छे से लर्न करोगे, क्वेश्चंस जो आएगा वो बुक में से ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप लर्निंग।